सरदान और असद का सा। सरदान का आंसर पानी और असद का आग है। दोनों अनासिर के दरमियान मशकीन है। इल्मे नजूम के कवाद के मुताबिक ये बहम जोड़वा बुर्ज हैं, लिहाजा दोनों के दरमियान मुवाफकत या अदम मुवाफकत का कोई जाविया नज़र नहीं है। असद शख्सियत की मुस्बत खसूसियात फराक दिली, वकार, गर्मजोशी, मोहब्बत, मेहरबानी और वफादारी, खुद शनासी, चुस्ती और डरामाई और शहाना अंदाज है। जबकि मनफी खसूसियात में गरूर और तकबर के अलावा कभी कभी खुद पसंदी और ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी भी शामिल है। असद ताकत ही ताकत है और शेर की धार कैंसेरियंस के लिए परेशान कुन हो सकती है। बहरहाल कैंसेरियंस लियो से बहुत कुछ सीख सकता है, मसलन ये कि फ़िक्र करना छोड़ो और खुश रहना सीखो। असद इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है और इसका ख्याल रख सकता है, अगर वह एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को सहारा दें और एक दूसरे से सीखें तो ये रिश्ता सूदमंद और पायदार साबित हो सकता है। असद की पुरेतमाद शख्सियत और बेतकल्लुफी कैंसेरियंस को इसके खौल से बाहर ले आएगी, जो बहुत शर्मीला और हसास है। लेकिन जब असद इस पर गालिब आने की कोशिश करेगा तो मामला बिगड़ सकता है। अगर असद मोहब्बत और नरमी से काम लेता रहे तो ज़िंदगी हम आहंगी के साथ तय हो सकती है। पैसे के मामले में भी दोनों की सोच में इख्तलाफ है। असद के ख्याल में पैसा खर्च करने के लिए होता है और वो शाहाना तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जबकि कैंसेरियन खर्च के मामले में बहुत मोहतात है। इसका असूल ये है कि पैसा मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखो। बहरहाल ये इख्तलाफात अगर नमाया हो जाएं तो इस रफाकत का कायम रहना मुश्किल होता है।